3. तो गाइस फाइनली हम लोग पूल में आ गए हैं और सुबह के 6 बज रहे हैं और हमने इतना प्यारा सनसेट एंजॉय किया है, कसम से इतना प्यारा व्यू आ रहा है। और मैं तो इतना पानी इस तरफ का गहरा है कि मैं यकीन करें डूबने लगी थी। हाँ, मैं डूब भी गई थी। उम्मीद है कि आपको लास्ट वाला व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को वेट लॉस के बारे में बताया था और उसके बाद काफ़ी लोगों के कॉमेंट्स आए कि मैं बैग्स कलेक्शन पर व्लॉग बनाऊँ और स्किन केयर पर और व्लॉग बनाऊँ, और काफ़ी लोगों के रिकमेंडेशन आए थे। तो मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, सबको बता दूँ जो आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे मैं वही व्लॉग आप सबके लिए बनाऊँगी, क्योंकि मैं अपने फैंस की और देखने चाहने वालों की ज़रूर सुनती हूँ। जो भी हूँ मैं आप लोगों की वजह से हूँ, तो आप लोग ही नहीं सुनूंगी तो किसकी सुनूंगी मैं। सो खैर, जो आप लोग देखना चाहते हैं किसी भी चीज़ की वैरायटी, बैग, शूज़ तो मैं दिखा चुकी हूँ, स्किन केयर, मेकअप, तो आप लोग लाजमी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू गाइज। सो गाइज, आज का जो व्लॉग हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आज का हमारा पिकनिक डे। सो मैं और मेरी फैमिली आज हम जा रहे हैं फार्म हाउस, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी दूसरी फैमिली को भी अपने साथ कनेक्टेड रखूँ, जो कि हैं आप लोग। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, मुझे मोटिवेशन देते रहते हैं, खुश होते हैं मेरे व्लॉग्स देखकर और इंस्पायर होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। सो आज का व्लॉग हम शुरू करने जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं आज बहुत एक अच्छे फार्म हाउस, और गर्मियों का मौसम है, फार्म हाउस जाना तो बनता ही है। कराची का तो हाल गर्मी ने भाई पूरा कर दिया है कसम से। काफ़ी दिनों से बच्चे शोर कर रहे थे, अरीशा आप ही प्लीज़ फार्म हाउस ले जाओ, फार्म हाउस ले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बहाने मैं बच्चों और फैमिली को ले जाती हूँ और घुमा आती हूँ। मेरी पूरा समझे क्या कहते हैं, खानदान की भी फैमिलीज हैं, मेरी खाला वाले, मेरे कज़न सब हैं, तो आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे और मैं सब लोगों से आपको मिलवाऊंगी, फार्म हाउस एक्सप्लोर करवाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कौन कौन हमारे साथ आज फार्म हाउस जा रहा है। सो सबसे पहले हम अपना करेंगे आउटफिट चेक। अब रात के यकीन करें हम लोग 9 बज रहे हैं और 9 बजे हम फार्म हाउस जा रहे हैं। हम 9 बजे रात को जा रहे हैं और हम सुबह में वापस आ जाएंगे, मतलब 6-7 बजे जैसे ही रोशनी होगी हम वापस आ जाएंगे। ये गर्मी का मौसम है यार, कौन दोपहर में इतनी सड़ती हुई धूप में जाए, और नहीं हो रहा था। तो हमने प्लान किया कि हम रात में जाएं। सो रात का वक्त हुआ ज़्यादा है और अरीशा आपके सामने रेडी, तो सबसे पहले हम करते हैं आउटफिट चेक। कि अम्मी मेरे लिए अभी अभी ये शर्ट लेकर आई है, पता नहीं कहाँ से, मुझे खुद नहीं पता, पर ये शर्ट मुझे बहुत स्मार्ट लगी तो मैंने सोचा कि आज ही पहन लेती हूँ, इसे बहुत कूल लग रही थी यार। उसके बाद मैंने ये ब्लैक जीन्स पेयर की हैं इसके साथ, और मेरी जीन्स जो है ना बहुत अच्छी हैं, ये जीन्स मेरी फेवरेट है। और ये हमने जो है स्लीपर्स ऐड किए हैं, और ऐसे स्लीपर्स यकीन करें मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इजी टू वेयर एंड एवरीवेयर टू गो। अब ज़्यादा लंबी नहीं करनी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम चलें अब फार्म हाउस की तरफ, और गाड़ी भी चलानी है और इतना दूर जाना भी है। सो बगैर वक्त ज़ाया किए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग चलें, लेट्स गो। और गाइस मैं बता दूं कि अपने घर में से मैं वही अफराद हूं जो सबसे पहले तैयार होकर बैठ जाता है ना और घर में चीख रहा चला रहा होता है, मैं वो इंसान हूं। मैं पता नहीं क्यों सबसे पहले रेडी हो जाती हूं और सबके ऊपर जो है ना मैं चीख रही होती हूं कि इतने बजे जाना था। तो उसके बाद जो है ना मैं अब रेडी बैठ गई हूँ, अब मैं सबका वेट कर रही होती हूँ कि कब निकलेंगे। और काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं अपना मेकअप भी लोगों को बताऊँ कि मेरा डेली सिंपल मेकअप मैं किस तरह कर रही होती हूँ, डेली रूटीन का मेकअप किस तरह होता है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आप जो रिकमेंड ज़्यादा करेंगे, जिसके वोट ज़्यादा आएंगे ना, तो मैं वो अब व्लॉग नेक्स्ट लेकर आऊँगी। और हसन भी माशाल्लाह रेडी हो गए हैं, हसन ने देखे स्पाइडरमैन की शर्ट पहनी है, सुपरमैन के शूज़ पहने हैं, पूरा ये सुपर बॉय बन गया है। सो खैर, हम दोनों बडीज जो है अब रेडी हो गए हैं, नाउ वी हैव टू गो फॉर फार्म हाउस। एंड व्हाट वी गोना डू देयर मैन, वी गोना डू स्विमिंग, यस फार्म हाउस, यस लेट्स गो। और गाइस मजे की बात मैं बताना भूल गई आप लोगों, मैं कहीं भी अच्छी जगह जाने लगती हूँ ना, यकीन करें मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। जब मैं एक्साइटेड होती हूँ, जब मैं सोचती हूँ, मैं प्लान कर लेती हूँ कि हाँ मैंने उठना है, मैंने ये कपड़े पहनने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, उसी सुबह जो है ना मेरी उठ के तबीयत खराब हो जाती है। और सुबह से आज मैं उठी हूँ, मुझे हफ्ते से कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, पर सुबह उठी हूँ मुझे गला भी खराब हो गया, खांसी भी लग गई और जुकाम भी लग गया मुझे। अब इतना जुकाम हो रहा है, इतनी मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ ना। इस सुपर का नाम मैंने ही बताया, अगर आपको पता है तो कमेंट में नीचे एक बटन आया है, उसको जल्दी से जाकर ठोक लो, ठोकना नहीं है और सुपर ही।
सो गाइस हमें हसन पीछे 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 मारना है उसे। सो गाइस इसके पीछे जो है हमें छुपकली मिली है और इसको अब हम सोच रहे हैं किस तरह मारेंगे। मर गई होगी इस तरह। नहीं हसन नहीं छोड़ो। अब इसको मारेंगे किस तरह यार। शिट। सो गाइस छुपकली मुझसे मिस हो गई है। ये देखें यहाँ बैठी हुई है ये रही। अब मैं ऊपर तक कैसे पहुंचू यार, वरना तो मैं इसका ऐसा खून करती ना, ऐसा मर्डर करती। तो खैर अब मैं इसको छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है, मुझे फार्म हाउस जाना है। इसको मैं बाद में आके तुझे मैं मारूंगी एक दिन, तू रुक सिर्फ। सो गाइस फाइनली इतने लंबे अरसे बाद जो है ना, इतनी लंबी की है राजू ने पहुंचने में, तो अब जाकर जो है ना हम रात के तकरीबन एक घड़ी पहनना भूल गए। शिट यार कोई बात नहीं। तो हमें बहुत भूख भी लग गई है और रात के तकरीबन हमें 7 बजे निकलना था, पर अब जो टाइम हो रहा है 12 बजे। जस्ट बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ माई फैमिली यार। अम्मी हम लेट कर देते हैं। अब हमें भूख भी लग गई है रास्ते में, तो सोच रहे हैं कुछ मंचीज अपने लिए पकड़ने और खाते पीते जो है हम जाएं, क्योंकि सफर भी अभी थोड़ा लंबा है। द फार्म हाउस पहुंच के फिर आपको जल्दी से बताते हैं और बस द फन बिगिन। सो गाइस जाने से पहले पहले ना हमने कुछ चीजें ले ली खाने पीने के लिए, हमने सोचा बहुत भूख लगी है खाते पीते जाए। और ये देखें नदीरा कब से कह रही हूँ गाड़ी चलाओ, पहुंचना भी है, सीरियस ही नहीं हो रहा, मजाक में लगी हुई है यार। हाँ भैया पहुंचना भी है, गाड़ी भूख लगी है। सो गाइस हम फाइनली फार्म हाउस पहुंच चुके हैं और मेरी फैमिली भी आ गई है। और मैं अब सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले जो है फार्म हाउस एक्सप्लोर करवाऊँ। सो फार्म हाउस बहुत अच्छा है और गर्मी का मौसम है, इतना मज़ा आ रहा है। और देखें मेरी फैमिली वहाँ पे आ गई है। और भाई आज तो अम्मी को देखें, अम्मी को देखें, सिर्फ अम्मी क्या लग रही है, मेरी अम्मी नहीं मेरी बहन लग रही है। और कैसे आज तो इत्तेफाक से अम्मी ने मेरे कपड़े भी नहीं पहने, ये अभी तो ताने सुन सुन के मैंने अपने ढूंढ ही निकाले। ओह माय गुडनेस आज मेरी माँ नहीं लग रही, आज मेरी बहन लग रही है। और फरवा इज लुकिंग गुड एज वेल। फरवा ने देखिए कितना अच्छा स्टाइल किया हुआ है, फरवा ने बहुत ब्यूटीफुल मेकअप भी किया हुआ है आज। सो लेट्स गो। हवा चल रही है, मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखें भाई इस तरह के होते हैं, ये मेरी शर्ट का स्टाइल है, समझ आई, ये शर्ट ही है। अभी थोड़ा स्टाइल तो सही कर दो। ये भाई कौन है मेरे? ये मेरे कजन आले रजा, जो हमारे साथ अभी भी बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे। आले रजा फार्म कैसा लग रहा है? बेहतरीन फार्म है, अभी तो पहुंचे हैं गाइस, है ना। और हम इतने टाइम मतलब वेट कर रहे थे कि हम फार्म हाउस का प्लान बनाए और कहीं ना कहीं हम लोग निकले। हम लोग ईद से प्लान कर रहे थे यार मिलें, क्योंकि कसम से हमारे दोस्त इतने नहीं हैं, हमारे कजन्स ही ना, हम लोग बेस्ट बडीज हैं, तो हमें दोस्तों की लाइफ इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी कजन्स की पड़ती है। सो गाइस ये रहा फार्म हाउस हमारा, और इतना खूबसूरत, बच्चे देखें वहाँ इंजॉय कर रहे हैं और मैं व्यू चेक कर रही हूँ और हवा इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। मैं इतना मारूंगी ना, अगर तुमने सोचा भी है मैं डुबकी मारूंगी या मुझे धक्का देने की कोशिश की, मैं इतना मारूंगी तुम्हें। आ जाओ कनवा। सो गाइस ये कनवा मेरी कजन भी आ गई है। हेलो। तो ड्रामे करने के लिए शुक्रिया एज ऑलवेज। तो बस फाइनली हम आ गए हैं। सो कैसा लगा फार्म हाउस? Really है ना। चलो मैं कहती हूँ रूम चेक करें, अब अंदर चलें। एक चीज का वेट कर रहा हूं। मैं तुझे बताऊंगी किस चीज का वेट कर रहे हो। ये गाइस हमेशा सोचता है कि ये मुझे डुकी मुझे धक्का देगा और मैं बच्ची हूँ, मैं धक्का खा भी लूंगी। मैं तुमसे अब 10 फीट दूर रहूंगी, मैं 10 फीट 10 कदम आगे रहूंगी तुमसे। आई विल प्ले सेफ। सो देखते हैं यहाँ पे बॉयज क्या कर रहे हैं। बॉयज हेलो, व्हाट्स अप यार, क्या हो रहा है यार? यार तुम लोग को अपना ये जोन मिल गया यार, तुम लोग आए भी हो गए। मैं भी कहूँ तुम लोग हो कहाँ? वो लोग स्नूकर खेल रहे हैं। ये कौन सी गेम है? ये भी स्नूकर है, वो क्या है फिर? गेम्स एंजॉय कर रहे हैं यार। मैं भी कहूँ तुम लोग अपना एरिया मिल गया, तभी तुम लोग गायब हो गए हो, नजर ही नहीं आ रहे। क्या वो तुम भी शीशा पूछोगे? शीशा नहीं पीते तुम? अच्छा ये कह रहा है मैं शीशा नहीं पीता, अगर मैंने तेरे हाथ में पाइप देखा तो देखना मैं तेरे साथ क्या करूंगी। पूल में सीधा धक्का। और इसको इस गेम को क्या कहते हैं? देखा उसको, इसने क्या बोला था? वॉलीबॉल।
सब इस वक्त पूल में एंजॉय कर रहे हैं, मैं अभी तक पूल में नहीं गई और इतना मजा आ रहा है फैमिली के साथ, इतना अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, खूब मजाक उड़ रहा है यहाँ पे, और मेरी फैमिली कॉमेडी शो है, मैं सच बता रही हूँ आपको। अबू भी आ गए हैं फाइनली, अबू को टाइम मिल गया ऑफिस से आने का, अबू सीधा यहाँ आ गए, और मेरे अबू कभी नहीं बोलेंगे भाई, ना हंसते हैं ना बोलते हैं। ये देखें अशन कैसे एंजॉय कर रहा है पूल में, वाओ। ओहो माय खाला इज हियर, अस्सलाम वालेकुम, वाओ लुकिंग वेरी नाइस, थैंक यू, सेम टू यू, एडो लेट छो आयो, बस ऐसा ये चश्मा नहीं मिल रहा था, ओह माय गॉड नाइस सिंदूर, मेरा सुबह को है लेकिन मेरे का अभी लगा के, सो रेडी फॉर पिकनिक, जाएं पूल में, धक्का दूं मैं आपको? नहीं नहीं नहीं, वो हसन देखे छलांगे मार रहा है, अबू डांट रहे हैं उसे कि बी केयरफुल, और अब बस मेरे पूल में जाने का इंतजार है, कांट वेट टू गेट इन, यार इधर बहुत डीप है इस साइड यार, और राजू वहाँ देखे अम्मी को किसके लगा रहे, क्या कह रहे हो तुम मेरी अम्मी हो, क्या क्या कह रहे हो अम्मी को, हम लोग वार्म टॉक्स कर रहे हैं अपने आप, ओह माय गॉड, लेट्स गो, मैं सोच रही हूँ हम सात जंप लगाएं और वीडियो बनाएं, सात जंप लगाएं और वीडियो बनाएं, वन टू थ्री, ये आई डिड इट, ओह माय गॉडनेस नाइस, वेरी कूल, ये अच्छा था यार, भाई बहुत मजे का था। तो गाइस फाइनली हम लोग पूल में आ गए हैं और सुबह के 6 बज रहे हैं और हमने इतना प्यारा सनसेट एंजॉय किया है, कसम से इतना प्यारा व्यू आ रहा है, और मैं तो इतना पानी इस तरफ का गहरा है कि मैं यकीन करें डूबने लगी थी, मैं डूब भी गई थी, पर अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दे दी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि गाइस मुझे स्विमिंग नहीं आती, आई वाज ड्राउनिंग मैन, तो खैर अलीजा ने मुझे बचा दिया और इस वक्त मैं पूल एंजॉय कर रही हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होंगी, उसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बनाएंगे और आपको प्यारा सा व्यू दिखाएंगे हमारे फार्म हाउस का, और हमारा फार्म हाउस इस वक्त भी बड़ा एक पीसफुल व्यू जो है ना हमें दे रहा है। ये फरवा है मेरी बहन जो मेरे बाद पैदा हुई और 10 साल बाद पैदा हुई, और ये भी देखें, आओ मैं तुम्हें दिखाऊँ, हाँ मैं तुम्हें स्कूल में ले जाऊँ, तो फरवा और मैं इस वक्त पूल में इंजॉय कर रहे हैं, और ज़हरा तो भाई खूब उसने इंजॉय किया है और जाकर अब थक के जो ना सो गई है वो, और हम आप इंजॉय करें अपना, और गनवा को अब मैं ले जाऊंगी गहरे पानी में, सो गाइस फाइनली मैं रेडी होकर आ गई हूँ, सो गाइस ये आपने हॉर्स देखा ही होगा कि शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था कितना ऊपर है, देखे मैंने कहा यही इधर तक नहीं आई, ये भी मुझे इधर तक आना चाहिए, तो मैं अभी ऊपर चढ़ाई हूँ और घोड़े पे बैठ जाती, पर घोड़ा प्लास्टिक का है, टूट जाएगा, नहीं मैं बैठूंगी टूट जाएगा, घोड़े के साथ मैं भी गिरूंगी लुढ़कती लुढ़कती। तो गाइस ये था आज हमारे फार्म हाउस का दिन और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, इतना ज़्यादा एंजॉय किया हमने जिसकी कोई हद नहीं है, अब सब इतना थक गए हैं क्योंकि रात से कोई भी नहीं सोया, सब इतने एक्साइटेड थे, इतना एंजॉय किया है, अब सबका वहाँ पर फोटो शूट चल रहा है, आप व्यू चेक करें, अभी मैं आपको व्यू चेक कराती हूँ जस्ट से। सो गाइस देखें इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8:30 और अभी तक हम फार्म हाउस में मौजूद हैं और देखें कितना प्यारा व्यू है और हवा भी बड़े मज़ेदार चल रही है यार, ये मुझे कोई दिखाओ वाली से, तुम नीचे जाके दिखाओ मैं कहाँ खड़ी हूँ। सो गाइस ये देखें मैं कहाँ खड़ी हुई उस वक्त इस खूबसूरत घोड़े के साथ जो हमारे फार्म हाउस का बेस्ट व्यू है, और मैं यहाँ पे खड़े होकर मैं व्यू एंजॉय कर रही हूँ पूरे फार्म हाउस का। तो फाइनली द गुड डे कम्स टू एन एंड और हम सब ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, कैसा लगा यार बड़ी ना, मजा आ गया, मजा आ गया ब्रो, इतने टाइम बाद हम लोग जो है ना इकट्ठे हुए थे, पूरी फैमिली बल्कि इकट्ठे हुए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। सो आज का व्लॉग इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बताइएगा आप लोगों ने हमारा व्लॉग एंजॉय किया, और नेक्स्ट रिकमेंडेशन भी आप देते रहिएगा, सो मैं उस पर भी व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह, टिल देन टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू, बाय बाय।